बच्चों, ये है सैलरी की एक और रिविजनरी वीडियो। जरा ध्यान से देखें बच्चों। सर, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? लीव ट्रेवल कंसेशन। सर, लीव ट्रेवल कंसेशन सर अगर फैमिली के लिए मिले तो क्या होता है? एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहले तो बच्चों फैमिली का मतलब, सर, ही हिमसेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट। अच्छा जी, सर कहाँ पे जाओगे घूमने तभी एग्जेम्प्शन मिलेगी? ओनली इन इंडिया। शाबाश सर, एग्जेम्प्शन मिलेगी इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। सर कैलेंडर ईयर याद रखना, नॉट फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर? 4 कैलेंडर ईयर्स। ठीक है सर, अभी कौन सा ब्लॉक चल रहा है? 2014 से 2017। सर क्या आप अपनी कोई भी लीव एनकैशमेंट आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यस सर। कितनी? 8। कब तक? फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। शाबाश सर। एग्जेम्प्शन कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। सर एक के बाद दो? तीनों। दो के बाद एक? दो। ठीक है सर। सर अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्शन, अगर सर आप लोग एयर से गए तो बच्चों क्या क्या एग्जेम्प्ट कर देंगे? इकोनॉमी फेयर एग्जेम्प्ट कर देंगे बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अदर मोड अदर देन एयर से गए तो बच्चों क्या होगा? फर्स्ट एसी रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अगर सर ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करता है तो बसेस बोट्स एक्सेट्रा देन फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर शैल बी एग्जेम्प्ट। अगर नहीं करता तो बच्चों क्या करेंगे? फर्स्ट एसी रेल फेयर वी विल अज्यूम दैट इट इज कनेक्टेड विद द रेल। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद बच्चों ने देखा कि भाई अगर एलटीसी एनकैश करा ली, बोलो बेटा एलटीसी तो सर वो भी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। सर मेडिकल प्रोक्विजिट इन इंडिया, अगर इन 4-5 जगहों पे इलाज कराया, नथिंग शैल बी मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्स, याद है बच्चों, मेंटेन्ड बाय एनी लोकल अथॉरिटी डिस्पेंसरी, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज। सारे मेजर हॉस्पिटल इस बात के लिए पहले से ही अप्रूव हैं। देन अप्रूव फॉर अ स्पेसिफाइड डिजीज ओनली फॉर स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट, ओनली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। सर जैसे मैंने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूशन का आपको एग्जाम्पल दिया था, वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चों अगला पॉइंट कौन सा है? और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सर, वो भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट। अगर बच्चों इनको छोड़ के कुछ और हुआ तो कितने तक की एग्जेम्प्शन मिलेगी? बोल दो 15,000 ओनली, और ये एनुअली है सबकी मिला। देन आउटसाइड इंडिया मेडिकल एक्सपेंस एग्जेम्प्ट। सर कितना? एज परमिटेड बाय आरबीआई। एक्सपेंस ऑन स्टे अब्रॉड, एक तो सिर्फ आपका जो पेशेंट है वो और एक अटेंडेंट, एज परमिटेड बाय आरबीआई। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस तभी एग्जेम्प्ट होंगे अगर आपकी जीडीआई डज नॉट एक्सीड 2 लाख। याद रखें सर, GDI does not exceed 2 lakh। सर लेकिन 2 lakh में ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करने, बट मेडिकल वगैरह जो खर्चे आपके टैक्सेबल हुए थे, अगर टैक्सेबल हुए थे तो वो इंक्लूड करने हैं। देन सर फैमिली का मतलब हमने पहले ही पढ़ लिया था। ये थे बच्चों मेरे 2 खास प्रपोजिट। इसके बाद बच्चों ने और छोटे छोटे मोटे प्रपोजिट और भी कंप्लीट किए, जैसे कि सर यूज ऑफ व्हाट? मूवेबल एसेट। सर 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस मे बी। एक बात का ध्यान रखें सर, कार लैपटॉप एंड कंप्यूटर पर ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। इवन सर मोबाइल फोन भी यूज करने के लिए तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। कार पे क्यों नहीं है? उसका हमने अलग से परक्विजिट पढ़ लिया। लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल पे क्यों नहीं है? सर बेनिफिट किसका हो रहा है? एम्प्लॉयर का। याद है एग्जाम्पल? बोल दो। बहुत बढ़िया सर, वो याद है गले में घंटी बांधना? तो बस बेटा गले में घंटी बांधी जाएगी। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, सर अगर एम्प्लॉयर के लिए किया नथिंग शैल बी, एम्प्लॉय के लिए अपने पर्सनली कर रहा है तो फुल अमाउंट शैल बी। कैसे प्रूव होगा एम्प्लॉयर के लिए है? डॉक्यूमेंट से। सर क्लब, बेटा अगर मेंबरशिप क्लब की कंपनी के नाम पे है नथिंग शैल बी टैक्सेबल, एम्प्लॉय के नाम पे है इट शैल बी टैक्सेबल। सर अगर इन कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को रिफ्रेशमेंट के लिए सर जिम पूल टेबल टेनिस टेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब ऑफिस में रखवा के दे रखा है नथिंग शैल बी टैक्सेबल। लेकिन सर कोई भी एम्प्लॉय क्लब में जाके खाता पीता है घूमता फिरता है और सर उसका बिल कंपनी पे करती है देन दैट अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। याद रखो बच्चों सारी बातें। ये था क्रेडिट कार्ड एंड क्लब। देन बच्चों ने पढ़ा वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। सर टी कॉफी स्नैक्स ले तू ही पी ले, याद आया? सर स्नैक्स है कि स्नेक्स हैं?
स्नैक्स हैं, सो फ्री फूड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन नथिंग शैल बी। लेकिन यही चीजें बच्चों अगर आपको अपने ऑफिस में प्रोवाइड करे जाए तो अप टू ₹50 नथिंग शैल बी टैक्सेबल, ओवर एंड अबव शैल बी टैक्सेबल, एक्सेस शैल बी टैक्सेबल। बच्चों वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग एटसेट्रा, इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई ऑफिशियल टूर था प्लेजर टूर में कन्वर्ट कर लिया, याद है बच्चों? देन प्लेजर टूर का अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। आप ऑफिशियल टूर पे गए थे अपने साथ किसी और को भी ले गए तो जो किसी और का खर्चा है दैट शैल बी टैक्सेबल। बहुत बढ़िया बच्चों। देन बच्चों ने पढ़ा स्वेट इक्विटी शेयर, सर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल। सर कंपनी ने एम्प्लॉय को शेयर्स दिए हैं, बोलो क्या दिए हैं? शेयर्स। सर शेयर्स का मार्केट प्राइस देख लो और कितने में दिए हैं वो देख लो, दोनों को माइनस करो क्या जाएगा? वैल्यू ऑफ बेनिफिट। सर याद रखें शेयर्स या सिक्योरिटीज या तो लिस्टेड होंगी या फिर अनलिस्टेड। लिस्टेड होंगी तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, सेलिंग रेट यूज करोगे बाइंग रेट। अगर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज है तो ट्रेडेड वॉल्यूम जिस स्टॉक एक्सचेंज की ज्यादा है उसका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, याद रखोगे सर? सर एक बात और, अगर अनलिस्टेड है तो जिस डेट पे सिक्योरिटी दी गई उस डेट की वैल्यू, अगर सर उससे पिछले 180 दिन के बीच में वैल्यूएशन हुई है तो वो वाली वैल्यू। डन सर, ये था आपका स्वेट इक्विटी शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। लो बच्चों आज बच्चों एक परक्विजिट हम रिवीजन में कवर कर देते हैं, एनी अदर बेनिफिट। जल्दी बोलो क्या? एनी अदर बेनिफिट। भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट दिया, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। सर याद कर लीजिए ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट में बच्चों क्या होगा, जितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन है, याद है बच्चों? मेरे डायग्राम में आया था, जितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर आपके कंप्लीटेड ईयर हैं सर उनके लिए हम क्या डिडक्ट कर देंगे? डेप्रिसिएशन। अगर कोई ईयर कंप्लीट नहीं हुआ तो सर हम उसके हिस्से की डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन का डेट डिपेंड करता है कि आप एसेट कौन सा ले रहे हो, कंप्यूटर मोटर कार अदर एसेट्स। कंप्यूटर 50% WDV, सर मोटर कार 20% WDV, अदर कार 10% SLN, याद रखोगे सर? सर इसके क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये मिस्टर राधे वाला बच्चों ये है बढ़िया क्वेश्चन सर, आप लोग इसे करेंगे तो आपको जरूर सारे कॉन्सेप्ट याद रहेगा। राइट, ये थी बच्चों आज की सैलरी की क्लास, अगली कक्षा होगी आखिरी क्लास, सैलरी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी कर लेंगे और एक और अच्छी सी रिवीजन वीडियो बना के डाल देंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बच्चों एग्जांपल वाली वीडियो आज मैं प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। जो बच्चे से यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चों रिवीजन वीडियो है, इसको फुल फ्लेज क्लासेस ना समझें, अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।